साथियों, बीते 8 वर्षों में हमें गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से सिख परंपरा के गौरव के लिए निरंतर काम करने का अवसर मिला है और ये निरंतरता लगातार बनी हुई है। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं उत्तराखंड माणा गांव गया था। इस यात्रा में मुझे गोविंद गार्ड से हेमकुंड साहब के लिए रोप वे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। इसी तरह अभी दिल्ली ऊना वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भी हुई है। इससे आनंदपुर साहब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नई आधुनिक सुविधा शुरू हुई है। इससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया गया है। हमारी सरकार दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी जुटी है। इससे दिल्ली और अमृतसर के बीच दूरी 3-4 घंटे कम हो जाएगी। इस पर हमारी सरकार 35,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रही है। हरमंदिर साहब के दर्शनों को आसान बनाने के लिए यह भी हमारी सरकार का एक पुण्य प्रयास है। और साथियों, ये कार्य केवल सुविधा और पर्यटन की संभावनाओं का विषय नहीं है, इसमें हमारे तीर्थों की ऊर्जा, सिख परंपरा की विरासत और एक व्यापक बोध भी जुड़ा है। ये बोध सेवा का है, ये बोध स्नेह का है, ये बोध अपनेपन का है, ये बोध श्रद्धा का है। मेरे लिए शब्दों में बताना कठिन है, जब दशकों के इंतजार के बाद करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला था, हमारा प्रयास रहा है कि सिख परंपराओं को सशक्त करते रहें, सिख विरासत को सशक्त करते रहें। आप भलीभांति जानते हैं कि कुछ समय पहले अफगानिस्तान में किस तरह हालात बिगड़े थे, वहां हिंदू सिख परिवारों को वापस लाने के लिए हमने अभियान चलाया। गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भी हम सुरक्षित लेकर आए। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के महान बलिदान की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत भी देश ने की है। देश के कोने कोने में भारत की आज की पीढ़ी, भारत की आने वाली पीढ़ियों है, ये जाने तो सही कि इस महान धरती की क्या परंपरा रही है। जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जो हमारी मातृभूमि है, उसके लिए साहब जादो जैसा बलिदान देना कर्तव्य की वो पराकाष्ठा है जो पूरे विश्व इतिहास में भी कम ही मिलेगी।